हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को NIS ओपन बोर्ड के सिलेबस के बारे में बताया था और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से कोरोना वायरस के पेंडेमिक को देखते हुए NIS ओपन बोर्ड ने अपने सिलेबस के अंदर 30% का डिडक्शन किया है। तो जिस तरीके से CBSE बोर्ड ने अपने कोर्स के अंदर 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, उसी तरीके से जो है NIS ओपन बोर्ड ने भी अपने सिलेबस के अंदर जो है 30% का जो है वो डिडक्शन किया था और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा अप्रैल सन 2021 के अंदर। और ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स भी जिन्होंने अक्टूबर में अभी तक अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनका भी एग्ज़ाम हो सकता है कि NIS ओपन बोर्ड वाले अप्रैल सन 2021 वालों के साथ ही ले लें और अक्टूबर नवंबर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम ना हो। तो ऐसे में अब आप लोगों को सही सिलेबस के साथ अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिड्यूस सिलेबस के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आप लोगों को एक तो मेहनत बहुत कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा आप जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास इस बुक के अंदर आप लोगों का जो रिड्यूस सिलेबस है जो 30% कम हो गया है तो उसको हटाकर आप लोगों का बाकी का 70% इस कोर्स के अंदर दिया गया है। न्यू कोर्स है और ये आप लोगों को टॉप 20 के द्वारा इसे आप लोगों को दिया जा रहा है और इसके अंदर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर, असाइनमेंट के क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। आप यहाँ पर देखिए NIS सैम्पल पेपर विद NIS सैम्पल पेपर जो है आप लोगों को मिलेगा, एनवायरमेंटल साइंस का है ये। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे किसी सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए सोशल साइंस का है, ठीक है। यहाँ पर भी ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है। ये देखिए ये मैथ्स का है, ये आपका पेंटिंग का है, ये बायोलॉजी, ये आपका हिस्ट्री, ये आपका मनोविज्ञान, ये आपका हिंदी और डाटा एंट्री, ये दोबारा से मैथ्स, बायोलॉजी और इस तरीके से अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पेंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग और बाकी के तमाम आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए सभी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिंदी में साइंस हो, बिजनेस स्टडी हो, फिजिक्स हो, मनोविज्ञान हो, बिजनेस स्टडी हो, इंग्लिश हो आपका, कंप्यूटर साइंस हो, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडी, भूगोल, ये तमाम जो आपके, ये देखिए कितनी सारी बुकें हैं, ये सब जो है आप लोगों के न्यू सिलेबस की हैं। अब जैसे मैं फिज़िक्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको एक भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें नहीं दी गई है। यहाँ पर देखिए एक बार कोर्स जो है आपका न्यू कोर्स है, न्यू स्टाइल है, फुल सिलेबस है आप लोगों का जो इस बार आने वाला है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये सब आपको आंसर के साथ मिलेगा। प्यारे बच्चों, एक बात तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि मुझे इस बुक का जो है स्पॉन्सरशिप नहीं दी गई है, इसका प्रचार करने के लिए कोई भी ठेका नहीं दिया गया है और ना ही मैं इसका प्रचार कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप लोगों का जो 30% रिड्यूस हो गया है तो आप लोगों को आपके कोर्स के बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि NIS ओपन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर कहीं पर भी इसको मेंशन नहीं किया है और ऐसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है न्यू सिलेबस को सर्च करने में। अगर हम CBSE की बात करें तो CBSE ने अपने उसमें भी दिक्कत है, लेकिन उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताया है, बट जो आपका NIS ओपन बोर्ड है उसने तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया और सिर्फ स्कूल वालों को, जो स्टडी सेंटर हैं उनको ये बताया गया है कि आप अपने बच्चों को बता दीजिएगा कि उनका 30% जो है सिलेबस रिड्यूस हुआ है और उनको एक पर्चे में न्यू सिलेबस दे दिया गया है। तो भाई आप लोगों को अगर इतनी सी अकल थी कि भाई आप स्टडी सेंटर वालों को ये बात बता रहे हो तो आपने NIS ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये बात क्यों नहीं बताई, या फिर आपने इस बुक वाले को तो बता दी लेकिन आपने हमें नहीं बताया, तो ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है। खैर इस बात को जाने दीजिए। आप लोगों को करना क्या है, आपके इलाके में जहां पर भी ये बुक मिल रही हो वहां से आप इसको ले लीजिए। यहां पर देखिए दो प्रकार के पब्लिशर हैं, तो आप लोगों को एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि आप लोगों को ये जो बुक प्रोवाइड करवाई जाती है वो दो पब्लिशर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। पहला तो मैंने आपको बताया टॉप 20 वालों का है, यानी कि टॉप पब्लिकेशन वालों का है। दूसरा है आप लोगों का NIOS, ठीक है, NIS वालों की तरफ से दिया जाता है और इसका पब्लिशर दूसरा है। ये आपको मैं बता दूँ, ये आपका दी ओपन पब्लिकेशन वालों की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है।
तो प्यारे बच्चों, आप इन दोनों में से ही कोई सा भी एक पब्लिशर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो आप दोनों ही पब्लिशर की बुक पढ़िए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे इस द ओपन पब्लिकेशन वालों की, तो ये आप लोगों को कुछ अलग अलग तरीकों से प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट के लिए 1 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट के लिए 2 स्टार और मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए 3 स्टार इंडिकेट किया गया है। अब मैं अंदर से आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उसमें किसी भी तरह का कोई स्टार नहीं होगा, लेकिन अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये यहाँ देखिए, ये देखिए 3 स्टार दे रखा है, यानी कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर सिंगल स्टार दे रखा है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2 स्टार वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी का तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर कॉपीराइट वाला जो मामला आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए, परचेज़ कीजिए, और मेरी तरफ से मैं आपको फिर बता दूं, मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको न्यू सिलेबस के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप इस टॉप 20 वालों की अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को जो कंटेंट दिया जाता है वो बहुत लिमिटेड होता है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही कम पढ़ना है और इसमें किसी भी तरह के कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग अलग नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन हैं और वो हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज अगर आप ये दोनों ही किताब पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आपके आराम से 90-80% आ जाएंगे। और एक बात बता दूँ, सबसे बड़ी बात, ये आपको कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी। अगर हम इसके बात करें इसके प्राइस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसका प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट, ये देखिए, मात्र इतने की ये बुक है और काफ़ी अच्छी खासी आती है ये। तो अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 2 बुक पढ़ लेते हैं, जैसे मान लो मैंने सोशियोलॉजी की 2 बुकें ले ली, एक अलग पब्लिशर की और दूसरी अलग पब्लिशर की, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट हुआ कितना, 110, ठीक है। अब 110 में अगर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है और इस बात की इंश्योरेंस मिल रही है कि आपके भाई 90% आ ही जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ महंगा वाला सौदा है। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, न्यू सिलेबस से तैयारी कीजिए, किसी तरह का कोई ओल्ड सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेकार की फेक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दोनों पब्लिशर की बुक ले लेते हैं तो आपका सफिशियंट है और आप इतना पढ़कर बहुत अच्छे नंबरों से आई थिंक पास हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर ये बुक आप लोगों को कहीं ना मिले, ठीक है, किसी आपके ऑफलाइन ना मिले, कहीं से ऑनलाइन ना मिले, तो फिर आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम बताइए, अपने एरिया का पिन कोड बताइए, हम आपको इसे कोरियर कर देंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मन लगाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाइए, ऐसी दुआ करता हूँ मैं भगवान से, कामना करता हूँ, और आप सब बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमने अपने चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है, वो भी न्यू सिलेबस के साथ, तो आप उसको देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया।